मैं रजनी चमोल 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर 14 फेब को हमारे 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि अब शर्म तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक दुख भी होता है कि बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबा अरसा होता है। तो हम पिछली सरकारों के पास भी गए, गवर्नर साहब से भी मिले, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी के पास भी हमारा केस गया हुआ है, हम ऑनरेबल एडवाइजर साहब से मिले, उन्होंने कहा आपका प्रोसेस में है, जिसके पास जाते हैं वो कहता है कि जेन्युइन है। हमारे लिए पीछे एक कमेटी फ्रेम हुई थी, उसकी रिपोर्ट 10 जनवरी को सबमिट होनी थी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला कि इन्होंने हमारा क्या किया है। मतलब बड़ी शर्म आती है हमें कि एक इतना सा डिसीजन लेने में कि हमारे 2 ऑर्डर है, एक 1301 है जिसके अकॉर्डिंग हमारी 3 साल के बाद रेगुलेशन बनती है, और एक ऑर्डर है वो उसको मॉडिफाई कर दिया, 1584 के अकॉर्डिंग हमें कंट्रेक्चुअल कंसीडर किया गया, और 2010 में एक एक्ट बनता है सिविल सर्विस प्रोविजन एक्ट, जिसमें 7 साल के बाद जो है वो रेगुलेशन है। तो हमें ये वी आर कंट्रेक्चुअल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 1584, तो इनको कहाँ दिक्कत हो रही है कि 7 साल के बाद हमें रेगुलाइज करना है, बाकी डिपार्टमेंट में कर दिया, मेडिकल ऑफिसर्स किए, रेंज ऑफिसर्स किए, तो हम लोगों को क्यों छोड़ दिया, हमने कोई गुनाह किया है कि हम लोगों ने 10-10 साल 12-12 साल अपना प्रीशियस टाइम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया, फार फ्लंग्स एरिया में पढ़ाया, डिफंक्ट स्कूल को चलाया। हम बीजेपी ऑफिस में गए थे रविंदर राणा सर से मिलने के लिए, वहां हमें नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि सर हमने दरवाजे क्या करने हैं, हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, हमारी सर्विस को रेगुलाइज करवाइए, आपकी सेंटर में कमांड है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूटी बन चुकी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है ये, तो आपका फर्ज बनता है हम बच्चों का सोल्यूशन करवाना, पहले जी साहब से हमारी बात करिए, तब हमें लगेगा कि आपके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। आज हम कविंदर गुप्ता जी के सर के पास भी गए थे, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करके आए हैं, अभी हम सबके पास रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमारा दिमाग अगर खराब हो गया ना तो हम फिर पता नहीं क्या कर बैठेंगे। हम पढ़े लिखे बच्चे, हमें मजबूर ना कीजिए कि हम कोई गलत स्टेप उठाए। हाँ, राजीव सर जो है उन्होंने हमारे लिए एक मेमोरेंडम जो है बना के अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो है जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको हमारे लिए बोला है कि इनका रेगुलाइजेशन का मसला जो है वो हल होना चाहिए। उनके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी, और सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वो हमें सपोर्ट करें और हमारे जेन्युइन इश्यू को सॉल्व कराएं, अदरवाइज जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अपना हक लेके जाएंगे।